नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा कि एक सिल्वर डायरेक्टर विथ टीम बिल्डिंग बोनस तकरीबन 11,000 के आसपास की इनकम ले रहा था। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सिल्वर डायरेक्टर एक बेयर मिनिमम जो क्राइटेरिया है बस उतना ही फुलफिल कर लेता है, मतलब कि अपने नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर वाला लैग जो है वो कम से कम क्वालिफाई लैग 5625 पीवी वाला बना ले और साइड से 1800 पीवी कर ले तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सिल्वर डायरेक्टर पे टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलता है। तो आज हम कैलकुलेशन देखेंगे कि विद टीम बिल्डिंग बोनस एंड एलओबी के साथ अगर कोई सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करता है तो उसकी मिनिमम से मिनिमम इनकम क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आप शायद शॉक हो जाओगे, मैंने भी जब ये कैलकुलेशन किया तो एक थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने से जहां 11,000 का चेक आ रहा था वो चेक 3 गुना होने जा रहा है। तो सारा कुछ जानेंगे, सारे बेसिक कंडीशंस जानेंगे, वीडियो बराबर देखिए, शायद थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि मैंने कुछ सिंपल कैलकुलेशन भी इसके अंदर ऐड कर दिए ताकि सभी लोग आसानी से अपना चेक कैलकुलेट कर सके। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा कि इनकम आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो देख लीजिए कि आज हमने बात करनी है कि एलओबी भी अगर मिल रही है तो किस तरीके से मिलेगी। उसके लिए देखिए सिंपल करना क्या है, यहां पर आप हो, आपका लेवल सबसे पहले तो मिनिमम सिल्वर डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। सिल्वर डायरेक्टर को एलओबी और मल्टीपल एलओबी भी अब मिलना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले तो आपके जहन में ये कर लीजिए कि अगर एलओबी करना है तो मेरा लेवल एटलीस्ट सिल्वर होना चाहिए। सिल्वर के साथ आपका जो क्वालिफाई लेग है मिनिमम 5625 पीवी वाला होना चाहिए। कल की वीडियो में हमने देखा था कि यहां पर अगर कोई आपका क्वालिफाई लेग है जो 2001 पीवी करता है और आपने साइड से 1800 पीवी कर लिए तो भी आप सिल्वर बन जाओगे। तो वो केस में आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस और परफॉर्मेंस बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको एलओबी चाहिए तो आपको 1,05,625 पीवी करना है और साइड से आपके 1801 पीवी होने चाहिए, ठीक है। तो ये केस में आपको एलओबी मिलेगी, बट यहां पर मेरे को मुझे ये टीम बिल्डिंग बोनस भी आपको दिलवाना है। तो यहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा, ये 1801 पीवी ना करते हुए मान लीजिए कि आपने 2100 पीवी साइड से कर लिए, ठीक है। तो ये केस में आपका नीचे एक क्वालिफाई लेग है जिन्होंने 5625 पीवी क्रॉस किया है और ये 2100 किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो कैलकुलेशन के लिए आपको समझना होगा कि पॉइंट सिस्टम क्या है, आप पॉइंट किस तरीके से निकालते। आपको सभी को मालूम है आपके सेल्फ और साइड से 6% मिलता है, आपकी फर्स्ट डेप से 5% मिलता है और सेकंड डेप से 4% मिलता है। और क्या क्या मिलता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 82 पैसा, टीम बिल्डिंग बोनस 1.35 रुपया और एलओबी की कॉस्ट 2.40 रुपया। तो मतलब के तकरीबन 4.57 मिलता है। तो अगर आपको पॉइंट निकालना आ गया तो सीधा सीधा उसके बाद आप 4.57 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आसानी से हो जाएगा। चलिए आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। 6% आपको किसका मिलेगा, ये 2100 का। तो 2100 को अगर 6% कर लेते हैं तो क्या निकल के आता है, उसका 126 आता है। वहीं पर आपकी फर्स्ट डेप्थ क्या है, ये है 5625, उसको अगर 5% से कर लो तो आता है 281.25 और अगर इन दोनों का हम टोटल कर ले तो 407.25, ये आ गया पॉइंट। अब उसको बीवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 18, क्या निकल के आएगा, अगर इनटू 18 किया तो 7330.50, ये हो गया बिजनेस वॉल्यूम। और अब सारी पॉइंट की वैल्यू मिलके क्या निकल के आती है, 4.57, उसको वापस उससे गुणा कर दिया तो दोस्तों यही चेक आपका बनने जा रहा है 33,500। तो कल मुझे एक कमेंट भी आई थी और एक पर्सनल कॉल भी आया था कि सर पहले जब आप एलओबी की कैलकुलेशन बताओ तो एक बेसिक बताना कि एक सिल्वर डायरेक्टर जो मिनिमम क्राइटेरिया है उस तरीके से बनेगा तो क्या वैल्यू निकल, मतलब क्या इनकम निकल के आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, एक आप बेयर मिनिमम एक लेग एलओबी वाला बना देते हो और साइड से अगर 2100 पीवी कर लेते हो
तो आपका चेक बनने जा रहा है 35,500 रुपया। यहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस बोनस अभी तक ऐड नहीं किया है। आपके ये जो भी साइड वॉल्यूम है वो जो लेट 5% 8% उसके हिसाब से अगर परफॉर्मेंस बोनस भी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपया ऐड कर दो तो 35,500 रुपये के आसपास, 35,000 के आसपास का आपका चेक बन के आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने वादा किया था कि सबके लिए काम थोड़ा मैंने आसान कर दिया है। मान लीजिए कि ये सब प्रोसीजर से आपको बचना है, मुझे ये 6% करना नहीं आता है, फिर यहाँ से 5% निकालना नहीं आता है, फिर उसको 18% करना नहीं आता है, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 6% मतलब आपका साइड का 4.9436, फर्स्ट डेप से 4.113 और सेकंड डेप से 3.2924। ठीक है, आपको सीधा उससे ही मल्टीप्लाई कर देना है आपको पीवी को, अगर ये सब चक्कर से मिटना है। चलिए एक एग्जांपल बता देता हूँ। आपका 6% मैंने क्या लिखा है, 4.9436 आपका 2100 को मल्टीप्लाई कर देना है सीधा। ये सब नहीं करना है तो की बात कर रहा हूं मैं, अगर लीगल वे से वैसे करना है और अगर शॉर्टकट अपनाना है आपको तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर इसको, तो ये निकल के आता है 10,381 और वहीं पर ये 5625। अब ये 5625 क्या हो गया, आपकी फर्स्ट डेप्थ हो गई। तो फर्स्ट डेप्थ का कैलकुलेशन मैंने क्या बताया है, 4.113। तो ये अमाउंट निकल के आएगा आपका 23,135 और अगर इसका टोटल कर लो तो होता है 33,516। देख रहे हो दोस्तों, 33,500। तो अगर आपको सिंपल इस तरीके से करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये सब चक्कर नहीं करना पड़ेगा। आपके जो भी साइड वॉल्यूम है, जो भी साइड का है, सीधा इससे मल्टीप्लाई करो। अगर आपके नीचे सेकंड डेप्थ में भी कोई है तो फिर 329 के हिसाब से करिए। चलिए वो एक एग्जांपल भी ले लेते। तो यहां तक समझ में आ गया कि सिंपल अगर फटाफट से कैलकुलेशन करना है तो आप सीधे ये चार्ट से कर लीजिएगा कि सीधा पीवी इंटू 4.94, पीवी इंटू 4 जो भी फर्स्ट डेप्थ के पीवी है। चलिए एक एग्जांपल और बता देता हूं ताकि और एक काम समझने में आसानी हो जाए। मान लीजिए कि आपके साइड से 2100 पीवी तो है ही है, ठीक है। अब ये जो आपकी फर्स्ट डेप्थ है ये भी मान के चलिए कि सिल्वर डायरेक्टर है, इसका साइड उसने 2100 पीवी किया है और इसके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है जिसने 5625 पीवी किया है। तो इसका कैलकुलेशन करना है तो आप सिंपल कैसे करोगे, देखो 654 के हिसाब से अगर करना है तो 2100 को सीधा मल्टीप्लाई करना है 4.9436 से, दूसरे वाले 2100 को मल्टीप्लाई करना है 4.113 से और ये जो 5625 पीवी है उसको मल्टीप्लाई करना है 3.2924 से। ये तीनों का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका चेक होगा। आप यही तरीके से, आप वो तरीके से करोगे तो भी वही अमाउंट निकल के आएगा और ये जो मैंने सिंपल तरीका बताया उसमें भी यही आएगा। और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि ये सिल्वर डायरेक्टर है और ये स्टार डायरेक्टर है, समझ रहे हो, इसके साइड के इसने 1000 पीवी किए हैं और इसके नीचे जो तीन ब्रॉन्ज डायरेक्टर है ये तीनों ने 2000 पीवी किए हैं। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 7000 पीवी यहां पर हो गया। अब ये केस में देखो, ये स्टार डायरेक्टर कहीं से भी एलओबी ले रहा है, नहीं ले रहा है, बट ये आदमी को इससे एलओबी मिलेगी, मिलेगी। कितनी मिलेगी, क्योंकि इसके लिए ये लेग पूरा 7000 पीवी का है, तो ये आदमी को पूरे 7000 पीवी जो इसके टोटल ग्रुप पीवी हुए हैं इनको मिलेगा ये 7000 पीवी का 5% और आपको अब क्या करना है, 2100 को इससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरे 2100 से इसको मल्टीप्लाई करना है और अब ये आपको 1000 को नहीं मल्टीप्लाई करना है इससे, क्योंकि इसके नीचे एक भी 5625 पीवी का ब्लॉक रेडी नहीं हुआ है, तो ये पूरे के पूरे 7000 पीवी का आपको मल्टीप्लाई करना है 3.2924 से। तो यहां तक समझ में आ गया कि इस तरीके से जहां पर भी अगर एक ब्लॉक रेडी नहीं होता है तो जितने भी टोटल पीवी है वो पूरे टोटल पीवी का मिलेगा। और एक बात, एक लास्ट और समझ लीजिए, क्योंकि देखो एलओबी के लिए बार बार आपके कमेंट आते हैं। मान लीजिए कि यह स्टार डायरेक्टर है, इसने साइड से 1000 पीवी किए है, अब इसके नीचे दो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और इसके नीचे भी
ये जो एक है ये भी स्टार डायरेक्टर है, ठीक है, और ठीक इसने भी नीचे तीन ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्रिएट किए हैं और साइड से 1000 PV किए, मतलब ये पूरा मिलके हो गया 7000 PV। अब देखो ये केस में ये आदमी ये दो से एलओबी नहीं ले रहा है बट इससे एलओबी ले रहा है, तो ये केस में सिर्फ आपको इसके साइड के 1000 PV का एलओबी मिलेगा, मतलब ये आदमी को इसका 5% मिलेगा और यहां से इसको 4%, लेकिन आपको अब नीचे से नहीं मिलेगा क्योंकि अगर यहां से लेना है तो आपको गोल्ड डायरेक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि 654 यहां तक ही सिल्वर डायरेक्टर को आप दो डेफ तक ही मिलता है। तो अगर ये आदमी नीचे से कहीं से एलओबी नहीं ले रहा है तो पूरे 7000 PV का आपको मिलेगा, और जैसे ये आदमी भी नीचे से एलओबी लेना स्टार्ट कर देगा तो फिर इसके साइड वॉल्यूम का आपको एलओबी मिलेगा। तो बस एक पहले तो एक सिंपल यही समझाना था, कल हम पॉइंट कवर कर लेंगे गोल्ड डायरेक्टर में, और गोल्ड डायरेक्टर के अंदर ही हम कवर कर लेंगे कि आपके नीचे आपसे कोई बड़ी लेवल की पिन है, मतलब कि क्राउन डायरेक्टर है या डायमंड डायरेक्टर है, तो वो केस में आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। बट एक सिल्वर डायरेक्टर का भी अगर बॉस अभी आज के बाद आपने एक फोकस फिक्स कर लिया कि 1 लैक को मुझे काफी मजबूत बना देना है, और साइड से देखो ये 2100 जरूरी नहीं है, आप इससे और जितना करोगे सीधा 5 रुपया बढ़ रहा है पर पीवी आपको, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर 2100 के जगह पे 3100 पीवी कर दिया तो 1000 PV जो एक्स्ट्रा कर दिया तो आपके और 5000 रुपये का चेक बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये जो 5625 PV है जरूरी नहीं है, देखो इस तरीके से उसको बना सकते हो, 5625 PV तो क्रॉस कर लिया, लेकिन अगर ग्रुप पीवी आप देखो तो 7000 PV है, तो जरूरी नहीं है कि 5625 PV पे ही अटकाना है, आप नीचे वाले को स्टार बनाइए, जो पोटेंशियल वाले जितने मैक्सिमम पीवी होंगे उतनी मैक्सिमम एलओबी आपको निकल के आएगी। और ये केस ऐसा है कि कल हमने एक कैलकुलेशन और भी किया था कि एक सिल्वर डायरेक्टर की इनकम भी कम से कम 1.5 से 2.25 लाख रुपया हो सकती है, आप खुद घर पे कैलकुलेशन करिएगा और मुझे कमेंट में लिखिएगा। चलिए आज मैं आपको एक थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ, मैं भी देखूँ आप कितने शांति से हमारे वीडियोस देखते हैं। आपके लिए होमवर्क है कि आपके साइड के 2100 पीवी है, आपके नीचे यहाँ पर एक क्राउन डायरेक्टर है, ठीक है, इसने साइड से 100 पीवी किए हैं और इसके नीचे 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और सभी ने 6000 PV किए हैं, 6000 PV किए हैं सभी ने। तो दोस्तों ये केस में आपका टोटल चेक कितना बन के आएगा प्लीज आप मुझे कमेंट में लिख लीजिए। आपको हिंट दे देता हूं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, देखूं कितने लोग फटाफट, आपको 2100 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये 100 पीवी को सेकंड फर्स्ट डेप से मल्टीप्लाई करना है, और ये 36000 पीवी को इससे मल्टीप्लाई करना है सेकंड डेप से। थोड़ा खुद बैठिए घर पे होमवर्क करिए और अपने हिसाब से खुद के भी कुछ स्ट्रक्चर बनाइए, मुझे भेजने से अच्छा आप खुद ही अपना नोट पेन लेके बैठिए, खुद इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाइए, काम थोड़ा आसान कर दिया है मैंने, आप इस तरीके से देख सकते हो। तो वेट करूंगा आपके कमेंट की कि इसका आंसर क्या निकल के आता है आप लोगों का, मैं भी चेक करूंगा, और मिलते हैं फिर कल अपने गोल्ड डायरेक्टर विथ एलओबी और अगर नीचे बड़ी पीन है तो वो उसके वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।